बच्ची ना इत्थे नाल ही इहदे पेके घर आ उत्थे गई सी इह 3 दिन पहला उत्थे रह के आई साडे कोलों तंदुरुस्त गई आ सानू नहीं पता जी उहनां दे घरों जदों आई इहदे मूंह च छाले सी किन्नां दे घरे गए सी इह आपदे मामे दे घरे गई सी रहिण जदों दी ब्याही आ कुड़ी जी ਇਹ ਉਦੋਂ ਦੇ ਟੋਰਚਰ ਕਰਦੇ ਸੀ ਲੈਣ ਦੇਣ ਪਿੱਛੇ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਦੇ ਸੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਡਿਮਾਂਡ ਮੁਤਾਬਕ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਜਿੰਨਾ ਸੀਗਾ ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਸੀਗੀ ਅਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਹਵਾ ਦੇ ਮਾਮੇ ਘਰੇ ਗਈ ਸੀਗੀ 3 ਦਿਨ ਲਈ ਨਾਨਕੇ ਨਹੀਂ ਉਹਦਾ ਉਹ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀਗਾ ਨਾਨਕੇ ਕੋਲ ਰਹਿੰਦੀ ਮਾਂ ਬਾਪ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗਏ ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਸੀ ਜੀ ਨਾਨਕੇ ਘਰੇ ਆਪਦੇ ਮਾਮੇ ਕੋਲ ਲੋਕਲੀ ਹਾਂਜੀ ਆਹ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਆ ਘਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ सारे महल्ले नूं पता जी भी कुड़ी ढिल्ली आ 2 दिन तो और साढ़े कोले आ कोई दूर नहीं गए उन्हां नूं नहीं पता हुण तुसीं देखो भी वह बंदे सच बोल रहे हैं तो जदों उत्थे गए तो 15 मिनट उन्होंने ऐड रखिया उन्होंने उत्ते आते कहते जो उन्होंने चैकअप किया कहते नहीं कहते हूँ कहते है नहीं गए शरीर के कुछ भी तो अज मैनू तड़के इन्होंने फोन किया 4 बजे भी मेरी कुड़ी पूरी हो गई है जी तो मैंने कोई इनफॉर्मेशन नहीं दी कुड़ी मेरी किवें बीमार हुई आ मैनू एक भी इन्होंने कॉल नहीं की गई और नैचुरली निक्की जी गल सी मूँह च छाले सी कुड़ी दे जदों कुड़ी ने कहा मेरिया इत्थे इत्थे पेन होंदी आ उल्टियां आउंदियां वमटिंग सी कुड़ी नूं डॉक्टर ने उहनूं कहता भी ये कुड़ी च रही नहीं कुड़ी हुण मेरा नाम अमनदीप है जी भाजी की घटना वापरी दिओ जानकारी जी सारे बच्ची ना इत्थे नाल ही इहदे पेके घर आ उत्थे गई सी 3 दिन पहला उत्थे रह के आई साडे कोलों तंदुरुस्त गई आ सानू नहीं पता जी उन्हां दे घरों जदों आई इहदे मूंह च छाले सी किन्नां दे घरे गए सी इह आपदे मामे दे घरे गई सी रहिण की नाम उन्हां दा गगनदीप ही पक्का गगनदीप कित्थे रहिंदे जी आ नाल ही घर है जी सामने तीन घर छड्ड के घर आ उहदा सन ऑफ बलदेव सिंह ये 3 दिन उन्हें कोले गई है उत्थे रहन भी लॉकडाउन आके मैं उधर ले रहा वहाँ सी भी चल कोई नहीं गुआंढ ही रहे उस तो बाद 3 दिन बाद जो घर आई है ये मूँह च छाले से इनू असी दोपहरे 2 बजे लोकल डॉक्टर तो दवाई दवा लिया भी बीमारी छोटी जी हुई है उस बाद आराम नहीं आया उस तो बाद सर असी इनू वे डॉक्टर दे ले गए सर्जिकल स्पैशलिस्ट आ डॉक्टर भोगल उत्थे असी इहदी ट्रीटमेंट कराई आ साडे कोले प्रूफ पए आ सारे और असी वो ट्रीटमेंट के डॉक्टर ने रात में छुट्टी दी वो कहें भी ठीक है यदा बीपी डाउन से और असी यदि इलाज मैं प्रॉपर सही करता वा तुम सवेरे इनू 10 बजे ले आओ सुबह सर असी 3-4 बजे इन्हें मुंडे ने चैक किया कि कुड़ी ठीक आ पर पल्स स्लो से असी उन्हें इमीडिएटली चक के गड्डी डॉक्टर को ले गए डॉक्टर को लेके गए हैं उस तो बाद डॉक्टर ने उत्थे रखिया 15-20 मिनट रखिया उस डॉक्टर ने उन्होंने कहता भी ये कुड़ी रही नहीं कुड़ी हुण शरीर छड़ चुकी है रिश्तेदार का कहना है जी वो आप लोग उनको कोई इन्फॉर्म नहीं किया जी बीमार है उनका यही क्या कहना है सर इन्फॉर्मेशन 3 घर कोले आ सारे महल्ले नूं पता उन्हां नूं नहीं पता तुसीं देखो सारे महल्ले नूं पता जी भी कुड़ी ढिल्ली आ 2 दिन तो और साढ़े कोले आ कोई दूर नहीं गए उन्हां नूं नहीं पता हुण तुसीं देखो भी वो बंदे सच बोल रहे 3 घर छड़ के आ सर घर साढ़े आस गुआंढ सारी गली नूं उत्थों तक कैमरा मार दो जी सारयां नूं पता भी कुड़ी ढिल्ली है और नैचुरली निक्की जी गल सी मूँह च छाले सी कुड़ी दे जदों कुड़ी ने कहा मेरिया इत्थे इत्थे पेन होंदी आ उल्टियां आउंदियां वमटिंग सी कुड़ी नूं वो रोकने वास्ते असीं वड्डे डॉक्टर कोले चले गए वड्डे डॉक्टर की लगता हुण की सर सानू कुछ नहीं लगता सानू बस यही सी सानू जिहड़ा लॉस होना सी वो हो गया सानू इह आ वी साडे ते कोई झूठी दफा कोई पुलिस किसे लीडर ते दबा जाके सानू साडे ते कोई झूठा केस ना ठोक देवे हाँ साडे नाल न्याय इह कर सकदे आ तुसीं भी सर सारे महल्ले की स्टेटमेंट ले लो अगर साडे च कोई कसूर आ साडे ते कारवाई बनदी है जी जरूर करियो अपने पास मेडिकल रिपोर्ट सारे है मेडिकल रिपोर्ट साडे कोल हैगी आ सर और कुड़ी असी खुद डिसीजन लिया भी कुड़ी का असी पोस्टमार्टम करावांगे जो कोई गल 19-21 आई उहदे च क्योंकि 3 दिन इन्हां दे घरे रह के आई आ कुड़ी और सानू इन्हां दे कोई विश्वास नहीं गा हाँ मेरी वाइफ सीगी अमनदीप कौर ਤੇ ਉਹਦੇ ਹਵਾ ਦੇ ਮਾਮੇ ਘਰੇ ਗਈ ਸੀਗੀ 3 ਦਿਨ ਲਈ ਨਾਨਕੇ ਨਹੀਂ ਉਹਦਾ ਉਹ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀਗਾ ਨਾਨਕੇ ਕੋਲੇ ਰਹਿੰਦੀ ਮਾਂ ਬਾਪ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗਏ ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਸੀ ਜੀ ਨਾਨਕੇ ਘਰੇ ਆਪਦੇ ਮਾਮੇ ਕੋਲੇ ਲੋਕਲੀ ਹਾਂਜੀ ਆਹ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਆ ਘਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਨਾਮ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀ ਗਗਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਨ ਉਹ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਧਰ ਵਾਪਸ ਆਈ ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਛਾਲੇ ਆ ਤੇ
मैं क्या कैसे हो गए तो आँधी कहती मैं फिल्टर वाला पानी पी लिया मैं क्या फिल्टर तो अपने भी लग्या वा तो मैं क्या कहते हुए तो है नहीं गए कहीं पानी ज़्यादा कौड़ा सी मैं पता नहीं मैं क्या हो सकता इदा हो गए तो वह अनुसार फिर बाद ट्रीटमेंट शुरू कराया दवाई दवा के लिया रहे तो दो दिन का फर्क पैदा शालिया तो फिर बाद कल करे कहते मेरे आह चीज़ दर्द हों वा पेट च तो कहीं चल एक बार की भरावान जी हों त्याद योगना बन गया हो एक बार उन्होंने उत्थे साडे लोकल ही आ डॉक्टर सतपाल सिंह तो उतो दवाई दवाई लैके आँदी उन्हें इंजैक्शन लाया एक तो फिर बाद घंटे के तक आँगी कहीं मेरे फर्क नहीं पिया गया कहीं मेरे दर्द होंगे ही उवें तो उस ज़्यादा सीरीयस ना कंडीशन हो जाए फिर बाद चीता डॉक्टर भोगल बहुत वे सर्जन इतने मोगा अपने कासा रोड से उन्होंने हॉस्पिटल वो को लैके गए 3:45 बजे का टाइम होना वा तो जो लैके गए तो वो आते कहते एड्डी कहते घबराने वाली गल नहीं गई कहते मूँह छाले आने कहते इनफेक्शन होगी कहते कहते ज्यादा दवाइया खा रही है ना कहते इन्ने दिनों तो कहते आ चीज़ सौ जी हूँ कहते कोई घबराने वाली गल नहीं कहते गर्मी आँदी है किसी जे उन्होंने दो बोतल लाइया ऐड कर लिया तो दो बोतल लाइया टीके टूके पाए उन्होंने तो आते कहते चलो कहते जो आप बोतल लाइया कहते अभी घर ले जा सकते हैं कहते डिस्चार्ज कर देंगे तो कहते कल सुबह 10 AM आ जाइए कहते तो असं चल ठीक आ जाएंगे तो जो घर आई कहते मैं नींद आ रही है कहते मैं सौना ही हाँ क्या चल सौ जा कोई ना आराम कर ला तू सुी भी है तो फिर तो 12 बजे ये मुंडा जो 1 साल का मेरा छोटा तो रोन लग गया तो उन्होंने दुध पै जाने आप ही तो फिर बाद 3 बजे उठा फिर उदो आप ही इन्हें दुध पै उन्होंने तो 4 बजे 4:15 का टाइम होना इन्हें हिचकी जी ली एक बार भी तो मैं कहते प्या प्यू ना लगी हो पानी पै तो पीता नहीं थोड़ा माड़ा पीता तो पी के सर्जा मारता कहीं नहीं तो मैं कहा ज़्यादा कंडीशन ना हो जाए फिर बाद असं फिर सुबह लैके गए डॉक्टर को डॉक्टर BS भोगल को सर्जन को जो उ गए तो 15 मिनट उन्होंने ऐड रखे उन्होंने उत्ते तो आते कहते जो उन्होंने चैकअप भी किया कहते नहीं कहते हूँ कहते है नहीं शरीर कुछ भी तो कहते लै जाओ कहते लगता है जे बीमार मेरा मुंह पक्या वा ओद मूह हटे ही नहीं मंग कोई नहीं साडी भावें साफ है बेचारी जेब हैगी बस हो जाए कोई एडा वड्डा मुद्दा वैसे सरकार दे मगर ला के सानू ना नजायज लाया वे दाज का साढ़े तो केस पा रहे हैं कि 5 लाख रुपये इन्होंने मांग की है वो झूठा वा महल के बयान लै सकते हैं अज तक कुड़ी रस के भी गई हो जो भी ब्याही है कुड़ी जी ये उदों से टॉर्चर करते लैन देन पिछे डिमांड करते जिनी भी डिमांड मुताबक मैं इन्होंने कुछ जिन्ना सी मैं पूरा कर चुका उस तो बाद विह तो बाद थोड़े चिर बाद इन्होंने मेरे तो कुड़ी की सस जिना इन्हों का नंदोईया वा अमनदीप कहते भी अगर साड़ी कुड़ी मुंदरी नहीं पाई एक छोटी यानी कि छोटी मेरी बेटी की नान मैं जी कोई गल नहीं अभी बाद पा दें वो भी थोड़ा थोड़े चिर बाद फिर इन्होंने मैं आप पिछले महीने ही फोन आया था सस की गल कर दिया कि सू थोड़े पैसे दे दो 5 लाख रुपया मेरे को भी हैगा जो सबूत तो मैं कहा जी भी कोई गल नहीं 5 बंदे आप दे 5 मैं मोद पर पाँगा तो तुम लै जाओ कोई गल नहीं तो अज मैं तड़के इन्होंने फोन किया 4 बजे भी मेरी कुड़ी पूरी हो गई है जी तो मैं कोई इनफॉर्मेशन नहीं दी कुड़ी मेरी किमें बीमार हुई आ मैनू एक भी इन्होंने कॉल नहीं की गई उत्तर मेरी कुड़ी ने इन्होंने पूरा दबा के आपके घर रखा मेरे घर जिमें कह रहे हैं भी इन्होंने मिलने वास्ते आती है मेरे घर मेरी कुड़ी मिलन बस आई आगी मतलब जी ए सहरे में भी मैं गल की थी मैं क्या भाई तेरी धी तेन नित मिल आई है फिर भी मैं बुला दो एक घर जो इन्होंने मिल दी मेरी कुड़ी मार के मैनू दे दी इन्होंने मैं 2017 के मैरिज हुई थी जी इन्होंने एक बेटा जी छोटा मुंडा जी अज तड़के 4 बजे इन्होंने फोन करता वा फलाने डॉक्टर को गए आ जी मैं डॉक्टर ने सारे तो तफ्तीश करके आया किसी डॉक्टर से नहीं गए गए इन्होंने पहले ना लिया रजनीत सिंगले का मैं उत्थों कंफर्म किया कहते नहीं साढ़े कोई भी आया जो बंदा फिर मैं डॉक्टर भोगल का पूछा इन्होंने मैं भोगल के होस्पिटल गया तड़के वह कहते साडे को नहीं आए फिर इन्होंने होर एक डॉक्टर का नाम लिता वह कहते साडे को नहीं आए बस मेरी कुड़ी ने इन्होंने मारिया जी मैं मंग करता बस जी कार्रवाई बने जो कार्रवाई बनती है वो करे इंसाफ मिले ना मिले मैं पूरा संघर्ष करूँगा इस संबंध में जी मेरी पूरी ना सुनवाई हुई है तो किसी गल तो जी अमनदीप कौर पत्नी सुखमंदर सिंह है जी लड़की है 23 साल की एज है ये हूँ कतल वगैरह जो कहें वह तो हूँ पोस्टमार्टम तो बाद ही पता लगेगा जहाँ
अजे तफ्तीश करते पे हैं, वेखते हैं जो भी मामला है उस हिसाब से कार्रवाई कराएंगे। परिवार ने की बयान आरोप हैगा कि मामे घर गई सी ते मामे घरों ही बीमार होके आई है। वेखो जी ये दोवें धिर एक दूजे ते आरोप लाउंदियां, पर जिन्ना चिर साडे असी तफ्तीश करते पे हैं उस संबंध जो भी कोई गल सामने आई पता लग जूगा की होया। परिवार ने की बयान दर्ज कराया जी? परिवार ने अजे बयान दर्ज करवाना है, अजे हुण असी बयान इन्हां दा लैणे आ, जो भी बयान देणगे उन्हें मुताबिक कार्रवाई करांगे। लाश कब्जे च लै लई है? हाँ, लाश कब्जे च लैके असी तो उही ना जो सानू ये बयान देणगे सानू उहदे मुताबिक असी कार्रवाई करांगे जी। बाकी असी वेखते हैं जाके उत्थे हॉस्पिटल जाके सारा की हालात ने उहदे मुताबिक हालात सारा वेख के उस हिसाब नाल कार्रवाई करांगे। मुढ़ली जांच च की सामने आया जी जिहड़ी हुण तक तुसीं जांच कीती? मुढ़ली जांच तो यह सामने ले भी ये लड़की कल बीमार हुई सी, वो डॉक्टर भोगल दे जिहड़ा उत्थे जाके उन्होंने एडमिट कराया सी, उह दसदा सी उहदे नाल गल भी मेरी डॉक्टर भोगल नाल हुई, उह कहिंदा ले इस तरह फीवर वगैरह सी थोड़ा बहुत इहनूं, ते उह बाकी डॉक्टर साहब तो जाके पता करदे आ। बिल्कुल सच, ज्योतिष एक विद्या एक साइंस। एस्ट्रोलॉजर बाबा धर्मिंदर जी दा सारी दुनिया नू खुला चैलेंज कि तुसी जिंदगी दी किसी भी समस्या तो परेशान हो, कि तुहाडे व्याह विच हो रही है देरी, कि तुसी संतान सुख तो वांझे हो, कि तुहानू तुहाडा मनचाहा प्यार नहीं मिल रहा, कि तुसी लाउणा चाहुंदे हो लॉटरी दा सही नंबर, कि तुहानू नौकरी नहीं मिल रही, कि तुहाडा वीजा नहीं लग रहा, कि तुसी विदेश च पक्का होना चाहुंदे हो, धन दी कमी, बीमारी तो परेशानी, घर बैठे बिठाए ही किया जाएगा तुहाडी समस्या दा समाधान फीस कम होने तो बाद। इन्हां सारियां समस्यावां दे पक्के हल एक बार जरूर मिलो एस्ट्रोलॉजर बाबा धर्मिंदर जी नूं, जो करदे ने मुफ्त सेवा मुफ्त समाधान।